हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बैडमिंटन के मल्टी शटल फीडिंग मशीन के इंस्टॉलेशन और इसको कैसे प्रॉपरली ऑपरेट करना है उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको स्टैंड को फिक्स करना है। स्टैंड के फिक्स होने के बाद उसके रोलर को लॉक कर देना है। फिर आपको मेन मशीन को इस स्टैंड में प्रॉपरली फिक्स करना है। मशीन के फिक्स होने के बाद आपको इस मशीन में मल्टी शटल होल्डिंग मेटल को फिक्स करना है। फिर आपको इस मल्टी शटल होल्डिंग ट्यूब को इस मेटल के अंदर फिक्स करना है। आप इसको बैटरी और डायरेक्ट सप्लाई दोनों से ही एक्टिवेट कर सकते हैं। बैटरी से ऑपरेट करने के लिए आपको एक बैटरी और केबल की नीड होगी। बैटरी को इस पोर्ट पे लगाने के बाद इसके दूसरे पोर्ट से मेन मशीन के लिए केबल को जोड़ना है। कनेक्टिविटी के बाद आप इस स्टैंड के स्विच को ऑन करें। इस स्विच से आप इस स्टैंड के हाइट को कम या ज्यादा कर सकते हैं। मेन मशीन के इस स्विच को ऑन करते ही आपका मशीन एक्टिवेट हो जाता है। अब कुछ शटल को इस मल्टी शटल होल्डर में रखकर हम इस मशीन को टेस्ट करेंगे। अब इस रिमोट के हेल्प से ही आप इस मशीन को प्रॉपरली वर्क करा सकते हैं, और वो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको सबसे पहले इस रिमोट का पावर ऑन करना है, फिर इसी से आपको मशीन को स्टार्ट करना है। मशीन को अप डाउन और साइड वाइज मूव कराने के लिए रिमोट में बहुत से बटन्स हैं। आप इसको प्रेस करके मशीन को मूव करा सकते हैं। शटल के स्पीड और फ्रिक्वेंसी को बढ़ाने के लिए आपको रिमोट में बटन मिलता है, उसको प्रेस करके आप इसको बढ़ा या कम कर सकते हैं। और इस रिमोट की हेल्प से आप वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, क्रॉस और रैंडम शटल को भी फीड कर सकते हैं। तो चलिए अब इस मशीन के हेल्प से आपको मैं कुछ ड्रिल्स करके दिखाता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत ज्यादा हेल्प मिला होगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। तो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो पर। तब तक आप अपना ध्यान रखें और सेफ रहें।